Assalamu alaikum dear students, my name is Waqar Hassan and today we are gonna talk about demotivation in your life. Especially जब आप CSS की स्टडीज़ कर रहे होते हैं PMS की, तो बच्चे बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं तैयारी करने के दौरान, और डीमोटिवेशन की वजह से वो तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप डीमोटिवेशन को स्टडीज़ के दौरान कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली वजह है डीमोटिवेट होने की, वो ये होती है कि आपके अपने ऊपर बिलीव नहीं बन रहा होता कि आप ये काम कर लेंगे, यानी कि CSS कर लेंगे, PMS कर लेंगे। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि आपके जो डेली टारगेट्स होते हैं वो मिस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डेली रखा है कि आपने डाउन पढ़ना है, ऑप्शनल करने हैं, एसए के ऊपर कोई काम करना है, प्रेसी के ऊपर करना है, तो आप वो जब शाम को अचीव नहीं करते, आप डीमोटिवेट फील करते हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो कुछ दिन बाद आप इतने डीमोटिवेट होते हैं, आप बुक साइड पर रख देते हैं और आप कहते हैं कि मैंने अब नहीं पढ़ना क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप टारगेट्स अपने जो सेट करते हैं उनको अचीव करें। इसलिए टारगेट्स वो सेट करें जो अचीवेबल हों। आप अपने ऊपर बर्डन ही उतना डालें डेली जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये काम मैंने करने और मैं कर सकता हूँ डेली, तो फिर आ जाती है बात आपकी कंसिस्टेंसी की और आपकी रेगुलरिटी की। अगर आप अपने सेट किए टारगेट्स अचीव करना छोड़ देंगे तो फिर आप, ये नेचुरल बात है कि आप डीमोटिवेट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहले तो अपने टारगेट्स सेट करें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, फिर अपने टारगेट्स को अचीव करें कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसमें फिर आपने ये नहीं करना कि किसी वजह से टारगेट मिस हो गया, कल मिस हो गया, हफ्ते में 3 दिन मिस हो गया। फिर आपने डेली अपना टारगेट अचीव करना है। तो जब आप अपने टारगेट्स अचीव करेंगे, आप हफ्ते में एक एसे लिखेंगे, एक प्रेसी लिखेंगे, आप अपने ऑप्शनल के नोट्स वीकली टारगेट कंप्लीट करेंगे, आप डेली आर्टिकल पढ़ेंगे डॉन का, यानी कि सारी चीज़ें हफ्ते में अगर आप कंप्लीट कर लेंगे और उसमें भी डेली रूटीन आप फॉलो करते जाएंगे, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। आपका सेल्फ बिलीव बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आप CSS और PMS कर सकते हैं, और डीमोटिवेशन खुद ब खुद जो सी है वो साइड पे हो जाएगी। तो डीमोटिवेशन होती है जब आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते, जब आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते डेली का, फिर वो वीकली में कन्वर्ट होती है, फिर मंथली गोल भी आप अचीव नहीं कर सकते, तो फिर महीने बाद आप पढ़ना छोड़ देते हैं, ऐसे लिखना छोड़ देते हैं। और डीमोटिवेशन इस वजह से भी होती है बच्चों को, क्योंकि उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा होता, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि इंप्रूवमेंट टाइम के साथ आती है। अगर आप इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो फ़ौरन से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये नहीं होगा कि 2 दिन में आप ज़बरदस्त ऐसे लिखना शुरू कर दें, 3 दिन में आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाए, आप फ़ौरन आपको चीज़ें मेमोराइज़ होना शुरू हो जाए। नहीं, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपकी ऐसे रेटिंग में इंप्रूवमेंट आती है 5-6 माह बाद, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है 5-6 माह मुसलसल काम करने के बाद। तो टाइम फैक्टर भी ज़हन में रखें कि 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगते हैं। तो इसलिए भी बच्चे डीमोटिवेट रहते हैं कि महीने बाद वो देखते हैं कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं हुई, महीने बाद देखते हैं कि मेरा ऐसे उसी तरह मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी, बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं आती है 1 महीने में। अच्छी इंप्रूवमेंट्स के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, रेगुलरिटी से काम करें, टाइम फैक्टर भी ज़हन में रखें कि इंप्रूवमेंट आने में टाइम लगता है, अपने टारगेट अचीव करें, तो आपकी डीमोटिवेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और इस फैक्टर को लाजमी ज़हन में रखें कि इंप्रूवमेंट आने में कुछ अर्सा लगता है, फ़ौरन इंप्रूवमेंट नहीं आती, और अपनी गलतियों को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहा करें। अपने टारगेट अचीव करें, अपना एक शेड्यूल बनाएं, उसको डेली अचीव किया करें, मंथली शेड्यूल को अचीव किया करें, और फिर आप देखेंगे कि आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, आपके टारगेट्स भी अचीव होंगे और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो देखते रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा।